नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सहजन को कई जगह मूंगा, सूरजने की फली और कहीं मोरिंगा बोला जाता है। आप इसके फल का इस्तेमाल सब्जी बनाने में करते हैं, पर इसकी पत्तियों की सब्जी या भाजी शायद ही कभी बनाई हो। दरअसल इसके फल और पत्तियों में गजब के आयुर्वेदिक फायदे छुपे हुए हैं। आइए जानते हैं इसके सेवन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 100 ग्राम सहजन की पत्तियों में 5 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम होता है। साथ ही एक नींबू की तुलना में इसमें 5 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जी हाँ, इसकी पत्तियों में कैल्शियम और विटामिन सी के साथ ही प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी भरपूर मात्रा में मिलती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आपके जोड़ों में दर्द रहता हो, बदन में दर्द रहता हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, तो सहजन की पत्तियों का काढ़ा बनाकर अवश्य पीजिए, आपको फायदा मिलेगा। हैजा, दस्त, पेचिश, पीलिया और कोलाइटिस जैसे रोगों के लिए सहजन की पत्तियों का रस पीना काफ़ी असरकारक होता है। बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर इसकी पत्तियों और फल को पानी में उबालकर उस पानी की भाप लेने से बंद नाक खुल सकती है, साथ ही सीने की जकड़न कम होती है। सहजन का सेवन ताकत, स्टैमिना और पावर बढ़ाने में मदद करता है। इस मामले में यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद है। पुरुषों में यह शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने और स्पर्म को गाढ़ा करने में मददगार है। आप सहजन की सब्जियों का सेवन या फिर इसके सूप का सेवन हफ्ते में 2 बार कम से कम करें। बवासीर जैसी बीमारियों को सहजन के सेवन से दबाया जा सकता है। इसका सेवन करते रहने से बवासीर और कब्जियत की समस्या नहीं होती, वहीं पेट की अन्य बीमारियों के लिए भी यह फायदेमंद है। आप इस तरह करें इस्तेमाल। सहजन की पत्तियों को आप सब्जी या फिर सांभर में डाल सकते हैं, जबकि रस को पानी में उबालकर काढ़े के रूप में सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर से मिलता हूँ दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।